नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 या एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इससे जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन सब में इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, तो इसलिए चैप्टर 3 ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो ध्यान दें, चैप्टर 3 एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन। तो पहले तो बेसिक चीज़ें समझ लें, क्योंकि यदि एक बार बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो फिर कोई भी टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में सम्मिश्र चर जेड का फलन। ठीक है, क्या है कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कि सम्मिश्र चर जेड का फलन। तो क्या है, ध्यान दें इधर, किसी दिए गए प्रांत डी में, क्या बोल रहा हूँ, किसी दिए गए प्रांत डी में जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्लू के यदि एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो तो W सम्मिश्र चर Z का फलन कहलाता है, तथा इसे W बराबर एफ जेड, ठीक है, स्मॉल f लिख लो, कैपिटल भी लिख सकते हैं, W बराबर एफ जेड द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तथा इसे W बराबर एफ जेड द्वारा निरूपित करते हैं। आप समझे बोल क्या रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो, यदि रियल की बात करें, ठीक है, कि रियल और कॉम्प्लेक्स को हम थोड़ा सा रिलेट करके ही पढ़ेंगे ताकि आपको फर्क भी पता लग जाए, कि यदि मैं रियल की बात करूं तो वाई वहां पे हुआ करता था वाई बराबर एफ एक्स, कि कोई भी फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स, उसको इस तरीके से लिखते थे कि हम एक्स हम क्या पुट कर रहे हैं या इनपुट। ठीक है, तो जो इनपुट होता है उसी को बोलते हैं हम डोमेन, कि आप किस में से पुट कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ x की जगह पुट किया करते थे, तो x हुआ करता था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर आश्रित चर जिनको हम बोला करते थे। तो वहाँ जो भी हम रख रहे होते थे उसको x से डिनोट किया करते थे, और जो x के मान थे वो सब x अक्ष पे, ठीक है, कि x के मान सबके सब x अक्ष पे निरूपित किए जाते थे, कि x के सारे मान x अक्ष पे। ठीक है, तो वहाँ x था कि हम क्या पुट कर रहे हैं, और y जो हमको मिल रहा होता था। ठीक है, तो इसे डिनोट किससे करते थे, वाई बराबर एफ एक्स से, किसी भी फंक्शन को। ठीक है, जो पुट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं हम डोमेन या प्रांत। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में प्रांत या क्षेत्र भी बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब जो रियल थी उसमें जो डोमेन हुआ करता था वो डोमेन किस टाइप का हुआ करता था, जनरली कोई इंटरवेल, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे के सारे रियल नंबर्स को हम एक लाइन पर शो कर सकते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इस तरीके से कि जितने भी नंबर्स थे उन सबके सब नंबर्स को मैं एक रियल लाइन पे शो कर सकता हूँ, कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो जनरली वहाँ पे जो डोमेन या प्रांत हुआ करती थी वो इस तरीके की हुआ करती थी कुछ, कि जैसे मान लो आपने एक से दो ले ली, तो एक इंटरवल टाइप से, कि एक अंतराल के रूप में। ठीक है, कि वहाँ पे जनरली डोमेन या प्रांत किस तरीके का हुआ करता था, एक इंटरवल टाइप से। ठीक है, ये रियल में हुआ करता है। इसी की बात यदि मैं कॉम्प्लेक्स में करूं, कि वहाँ पे जो पुट कर रहे होते थे उसको डोमेन बोलते हैं, हम हर बार यही करते हैं कि कोई भी फंक्शन हो उसमें जो इनपुट है उसे डोमेन, और जो आउटपुट है आपको मिल क्या रहा है उसे क्या बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, या परिसर, कि वाई के मान क्या क्या मिल रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में देखो वहाँ पर डिनोट करते हैं वाई बराबर एफ एक्स से, यहाँ पर डिनोट करते हैं हम डब्लू बराबर एफ जेड से, कि आप जो पुट कर रहे हो उसे तो बोलेंगे जेड, और जो आपको मिल रहा है उसे बोलेंगे W, कि जो आपको W बराबर एफ जेड है इसका मतलब क्या है, W बराबर एफ जेड का मतलब क्या है, कि आप जो पुट कर रहे हो, ठीक है, वो तो हो जाएगा यहाँ पे जेड,
और जो मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे, W से, कि Z पुट करते जाएंगे W की वैल्यूज मिलती जाएगी, कि आपने Z रखा W मिल गया, फिर Z रखा उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई W मिल गया, ठीक है। तो फंक्शन को वहाँ Y बराबर FX से डिनोट करते थे, यहाँ डिनोट करते हैं W बराबर FZ से। अब वहाँ पे जो डोमेन हुआ करता था, प्रांत हुआ करता था, कि हम X की वैल्यूज रखते हैं, सारे के सारे रियल नंबर एक रियल लाइन पे शो कर सकते हैं, तो वहाँ पे जनरली जो डोमेन हुआ करता था वो एक इंटरवल टाइप का हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो Z होता है वो खुद ही X प्लस आयोटा वाई टाइप का होता है, कि एक तो रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं कि जैसे कि 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, तो 2, 3 इसके इसको पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इसको 4, 5 इस टाइप से लिखेंगे, कि मान लो यहाँ कहीं आ गया 4, 5। तो दिख रहा है कि यहाँ जो पॉइंट हैं वो खुद ही एक प्लेन में डिनोट किए जा रहे हैं, किसमें निरूपित किए जा रहे हैं, एक तल में, वहाँ पे पॉइंट्स एक लाइन पे। तो जो डोमेन हुआ मान लिया 1 से 2 तक, तो 1 से 2 का इंटरवल हो गया। यहाँ जो पॉइंट्स हैं वो कैसे डिनोट किए जा रहे हैं, एक प्लेन में। तो यहाँ जो जनरली डोमेन होती है वो डोमेन एक सर्कल टाइप की होती है, कि मान लिया जैसे मैंने मोड जेड लेस देन 3, इस टाइप की डोमेन होती है, ठीक है। और भी कई तरीके से डोमेन बना सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको नॉर्मली कैसी होगी। तो नॉर्मली यहाँ पे जो डोमेन होती है वो कैसी होती है, एक सर्कल टाइप की होती है, एक डिस्क टाइप की, कि जो प्रांत होता है वो एक चक्ती प्रकार का या एक वृत्त प्रकार का होता है। कि मोड जेड लेस देन 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मोड जेड को क्या लिखेंगे, जेड माइनस 0। तो ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, जिसका केंद्र 0 है, त्रिज्या 3 है। तो जो 3 त्रिज्या का वृत्त है, यूँ समझ लो, मान लो ये त्रिज्या 3 है, तो जो 3 त्रिज्या का वृत्त है उसके अंदर अंदर के बिंदु, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 त्रिज्या का जो वृत्त है उसके अंदर अंदर के बिंदु रखने हैं आपको। तो सबसे बड़ा फर्क तो क्या है, वहाँ पे डोमेन इंटरवल टाइप की हुआ करती थी, यहाँ पे जो डोमेन होगी वो सर्कल टाइप की या कोई स्क्वायर टाइप की या कोई रेक्टेंगल टाइप की, इस टाइप से कोई डोमेन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ सारे नंबर्स रियल लाइन पे शो हो जाते थे और एक लाइन पे इंटरवल टाइप से आपको डोमेन मिल जाती है। यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, तो इसलिए जनरली जो प्रांत होंगे वो इसी टाइप के होंगे, मैं नहीं बोल रहा सब होंगे, जनरली इसी टाइप के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो नेबरहुड भी होता है, प्रतिवेश, वो भी एक इंटरवल टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेबरहुड या प्रतिवेश होता है वो भी एक सर्कल टाइप का ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में, कि डिफरेंस क्या है कि वहाँ इंटरवल, यहाँ पे एक डिस्क बन जाती है वो इंटरवल, ठीक है, इंटरवल ना होके। यहाँ पे डिनोट किससे करते हैं, W बराबर FZ, उधर किससे करते हैं, Y बराबर FX से, कि X हम रखते हैं Y हमें मिलता जाता है, यहाँ Z रखते हैं और जो मिल रही होती वैल्यू उसको W बोलते हैं, ठीक है। तो Z हो गया स्वतंत्र चर और W हो गया प्रतंत्र चर या आश्रित चर, कि Z रखेंगे W मिलेगा। उदाहरण इसी के यदि एग्जाम्पल देखें तो फंक्शन जैसे कि FZ बराबर साइन Z, ठीक है, Z स्क्वायर Z पे पावर 1/2 e^z इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस, कि W बराबर FZ का मतलब क्या है, इस टाइप के फंक्शंस होंगे आपके पास में, कि W बराबर साइन Z या FZ बराबर साइन Z बोल लो, W बराबर Z स्क्वायर, W बराबर Z पावर 1/2, W बराबर e^z इस टाइप के, ठीक है। तो Z रखेंगे W मिलेगा। अब Z की एक वैल्यू के संगत W का एक मान भी मिल सकता है, एक से ज़्यादा मान भी मिल सकते हैं W के। तो ये लिख दिया है पहले ही कि Z के प्रत्येक मान के लिए W के यदि एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो, ठीक है, कि Z रखेंगे W मिलता जाएगा। अब ध्यान दें, चूंकि Z बराबर X प्लस आयोटा Y इसी टाइप से होता है, Z होता है, अतः FZ बराबर U प्लस आयोटा Y लिखा जाता है, जहाँ यू वी, ठीक है, वास्तविक चर एक्स वाई के फलन होते हैं, कि जो पॉइंट होते हैं वो एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के होते हैं ना भाई, तो आपको रिजल्ट भी एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का ही मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो आप रख रहे हो उसी के हिसाब से तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप रखी एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप की वैल्यू रहे हो, तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो भी इसी टाइप की मिलेगी, कि कुछ U प्लस आयोटा V टाइप से। जैसे कि आप समझना चाहो तो ये लो, FZ बराबर Z स्क्वायर, ये ले लिया मैंने, ठीक है, रखो Z की जगह X प्लस आयोटा Y, तो मैंने रख दिया Z की जगह X प्लस आयोटा Y, X प्लस आयोटा Y का स्क्वायर, करो स्क्वायर ओपन, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस 2ab, यही होगा भाई। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -y² प्लस में 2iotaxy, दिख गया। तो ये जो एफ जेड है भाई, ये एफ जेड आपको मिला क्या है, ये मिला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2, या यूं लिखो आयोटा 2xy, इस टाइप से। तो देखो मिला u प्लस आयोटा v। तो जैसा पॉइंट पुट किया रिजल्ट भी उसी हिसाब से, कि पॉइंट x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में था तो रिजल्ट भी उसी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे u तो क्या हो जाएगा, यदि u प्लस आयोटा वाई v से कंपेयर करूँ तो u हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v हो जाएगा 2xy, ठीक है। कि आप x प्लस आयोटा वाई टाइप से पॉइंट पुट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी u प्लस आयोटा वी टाइप से। अब ये जो u और v हैं, ठीक है, तो ये वास्तविक चर कि रियल जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उनके फंक्शन होंगे। तो दिख भी रहा है आपको एक्स वाई के फंक्शन है यू वी, ठीक है, कि ये वास्तविक फलन होंगे, ठीक है। तो सम्मिश्र फलन का मतलब क्या है, उसमें आयोटा होगा, कि वो यू प्लस आयोटा वी टाइप से कोई फंक्शन होगा, जबकि रियल फंक्शन या वास्तविक फलन का मतलब क्या है, कि उसमें आयोटा नहीं होता है। तो अब देखो ये वास्तविक फलन है, ये रियल फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हम रियल में पढ़ा करते थे जनरली, उसी टाइप के हैं ये। तो यू वी रियल फंक्शंस हैं, हाँ, यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो गया ये, ठीक है। तो यू वी वास्तविक फलन होंगे, क्यों, क्योंकि रिजल्ट भी हमें यू प्लस आयोटा वी टाइप से मिलेगा। तो बेसिक चीज़ क्या है यहाँ पे, कि हम x प्लस आयोटा वाई टाइप का पॉइंट पुट करेंगे, रिजल्ट u प्लस आयोटा v टाइप का मिल जाएगा। डिनोट कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन को, w बराबर एफ जेड से, वहाँ पे डिनोट कैसे करते थे, y बराबर एफ एक्स से डिनोट करते थे। तो नोटेशन में फ़र्क है, डोमेन में फ़र्क है, वहाँ डोमेन इंटरवल टाइप के होते थे जनरली या नॉर्मली, यहाँ पे डोमेन डिस्क टाइप के या स्क्वायर टाइप के, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। प्रांत, वहाँ पे सारे के सारे पॉइंट एक रियल लाइन पे शो कर देते थे हम, यहाँ उनके लिए एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन की, जिसको बोलते हैं हम सम्मिश्र तल, ठीक है। तो नोट करें एक बार फिर इससे आगे, तो किसी भी फंक्शन का डिनोट करने का तरीका है या नोटेशन है, हाँ भाई, अब ध्यान दे इससे आगे। तो ये तो कोई भी फंक्शन हो गया, ठीक है, कि किसी फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, और डोमेन रेंज का मतलब इनपुट आउटपुट, कि जो आप इनपुट है वो डोमेन, जो आउटपुट है वो रेंज। तो एक मानी फलन या सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या है, कि यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए, कि यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्लू का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, ठीक है, कि यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए डब्लू का एक ही निश्चित मान प्राप्त होता है, तो फलन W बराबर एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। तो फलन एफ जेड W बराबर एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। उदाहरण, उदाहरण में ले लो आप एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर जेड क्यूब, इस टाइप से बहुमानी फलन या मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, कि यदि जेड के कुछ या सभी मानों के लिए डब्लू के दो या दो से अधिक मान प्राप्त होते हैं, तो W बराबर एफ जेड बहुमानी फलन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण एफ जेड बराबर जेड पे पावर 1/2, इस टाइप से, ठीक है, कि एफ जेड बराबर जेड पे पावर 1/2। तो दो टाइप के फंक्शन है, एक तो सिंगल वैल्यूड, एक मल्टी वैल्यूड, ठीक है।
तो सिंगल वैल्यूड का मतलब है आप जेड की एक वैल्यू पुट करो, आपको डब्ल्यू का एक ही मान मिले। तो देखो यहाँ पुट करके देख लो, जेड स्क्वायर में आप जेड की जगह कुछ भी पुट करेंगे भाई, आप जेड की जगह कुछ भी पुट करोगे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 3+i पुट करके देख लो कि ये फंक्शन लें कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, तो मैंने रख दिया 3+4i, ठीक है। तो यहाँ रख दो 3+4i, ये मान रखा मैंने जेड का, जैसे तो होगा क्या, स्क्वायर्स ओपन करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर साथ में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 + 6 = 24 आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आ गया -7 + 24 आयोटा। तो देखो जेड का एक मान रखा, डब्ल्यू का एक ही मान मिला, तो ये हो गया एक मानी फलन या सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कि हर एक जेड की एक वैल्यू के लिए डब्ल्यू का एक ही मान। मल्टी वैल्यूड या बहुमानी का मतलब क्या है कि जेड का एक ही मान रखें लेकिन डब्लू के अनेक मान मिल जाए या दो से ज़्यादा मान मिल जाए। जैसे कि ये आप यदि यहाँ 3+4i रखते तो उसका स्क्वायर रूट निकालते तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा मान मिलते, क्योंकि रूट है ना, तो प्लस माइनस, ठीक है, 2 तो ऐसे ही आ जाते, ठीक है। तो इस तरीके से कि प्लस माइनस में आता ना, तो जेड की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू के 2 या 2 से ज़्यादा मान मिले तब तो बहुमानी फलन, और जेड की एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू का एक ही मान मिलता है, ठीक है, तब उसको एक मानी फलन या सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो ये दो टाइप के फंक्शन है, एक मानी और बहुमानी। हाँ, हम जो पढ़ेंगे इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम केवल एक मानी फलन ही पढ़ेंगे, ठीक है, या हमारी जो कैलकुलेशन होगी पूरी की पूरी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन पर ही चलेगी, ठीक है। तो यह एक मानी और बहुमानी, तो नोट कर लें। फिर इससे आगे अब एक छोटी सी चीज है, सम्मिश्र चर जेड का पथ, तो इसको लिखना नहीं है, समझ लें, सम्मिश्र चर जेड का पथ की पाथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो देखो वहां पे जो वेरिएबल हुआ करता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ करता था x, और जो x के मान मिलते थे वो हमें x अक्ष पे मिलते थे। तो x अक्ष पे जो पॉइंट हुआ करते थे 1, 2, 3, 4, उनमें से हम उठा उठा के पुट कर दिया करते थे यहाँ पे, ठीक है, पूरी पूरी एक रियल लाइन थी, उसमें से पॉइंट उठा उठा के हम इस फंक्शन में पुट कर दिया करते थे। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है जेड तो उसको एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट एक प्लेन में शो किया जाएगा x, y इस टाइप से, ठीक है, कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो खुद ही x प्लस आयोटा वाई टाइप का है, एक रियल पार्ट है x, एक इमेजिनरी पार्ट है y, तो ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, पॉइंट आ गया x, y, तो सारे के सारे पॉइंट इसी टाइप से आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट है, और एक प्लेन में शो किए जाएंगे सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ यदि आपके पास में दो पॉइंट है z1 और z2, कि मान लिया ये एक पॉइंट है z1, ठीक है, ये, और मान लो ये दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने मूल बिंदु ले लिया z2, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने वाला जो रास्ता है, ठीक है, वो देखो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है, एक कोई कर्व भी हो सकता है क्योंकि प्लेन है ना, समतल है, या फिर यूं भी हो सकता है, ठीक है, इस पॉइंट पे जा रहे हैं ना, यूं भी हो सकता है, ठीक है, या और भी कोई वक्र हो सकता है। तो जनरली यदि मैं बोलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, कि ये जो सम्मिश्र चर जेड है इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यदि आपको जाना है, तो आप किसी सरल रेखा के जरिए भी जा सकते हैं, दो सरल रेखाओं के जरिए भी जा सकते हैं घूम के, या किसी वक्र के जरिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सम्मिश्र चर जेड का पथ है वो क्या होता है, एक बहुभुजीय चाप, ठीक है, कि एक पॉलीगन आर्क, कि एक कोई भी कर्व हो सकता है, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन ही हो, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कर्व, ठीक है, कोई भी आडा टेढ़ा वक्र हो सकता है और सरल रेखा भी हो सकती है। तो ये ध्यान रहे, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक प्लेन में आ गए हैं, एक समतल में आ गए हैं, तो इस समतल में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी रूट के जरिए जा सकते हैं, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो आपके पास में केवल एक लाइन है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप एक लाइन के जरिए जा सकते हो, ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, क्लियर। तो यहाँ जो सम्मिश्र चर जेड का पता है वो क्या होता है, एक बहुभुजीय चाप, ठीक है, ठीक, या तो सरल रेखा हो सकती है या कोई भी वक्र हो सकता है, तो ये ध्यान रहे, एक तो ये दोनों में फर्क है।
अब ध्यान दें अगली जो डेफिनेशन है, लिमिट या सीमा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप, लिमिट या सीमा की। तो अगला टॉपिक है सीमा या लिमिट। तो अब ध्यान दें लिमिट या सीमा क्या होती है यहां पे। तो अगला टॉपिक है लिमिट या सीमा। ठीक है, या आप बोल सकते हो सम्मिश्र फलन की सीमा, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन ही पढ़ रहे हैं ना, तो लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो सम्मिश्र फलन की सीमा। तो ढंग से समझ ले भाई सारे के सारे बेसिक। एक बार बेसिक चीजें समझ में आ गई उसके बाद में फिर आपको आसान लगेगा चैप्टर, और यदि ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आई फिर कुछ नहीं है। और ये जो लिमिट वाला कंसेप्ट है, ये लिमिट तो हम बाद में निकालेंगे, अभी यहाँ तो ज़्यादा बात करेंगे नहीं लिमिट की, केवल आइडिया ही लेंगे। बाकी आगे जो टॉपिक आएगा डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता, उसमें हर एक फंक्शन में लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे लिमिट को। तो देखो पहले तो यदि रियल की बात करें हम, तो रियल में लिमिट को किस तरीके से डिफाइन किया था, ट्वेल्थ हो चाहे या सेकेंड ईयर हो, कि एक फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, किसी भी डोमेन में डिफाइन है, ये किसी भी प्रांत में परिभाषित है, मान लिया प्रांत डी में परिभाषित है। तो y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, उसकी बिंदु x इक्वल टू एक्स नोट पर, या यूं समझ लो x इक्वल टू a पर कोई वास्तविक संख्या l सीमा कहलाती है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर क्या आ जाए l, इस तरीके से। ठीक है, कि वहां पे हम क्या बोलते थे कि कोई वास्तविक संख्या L किसी फलन y बराबर fx की बिंदु a पर सीमा कहलाती है, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर क्या आ जाए L। और ये जो टर्म है ये वाली, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a fx, या फिर इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि a बिंदु पर फलन f की सीमा एग्जिस्ट करेगी कब। अब ये जो लिमिट थी, ये लिमिट जो निकालने के तरीके थे वो वहाँ पे दो ही हुआ करते थे, एक बाईं सीमा एक दाईं सीमा। और ऐसा भी क्यों, क्योंकि इसका कारण था भाई आप कर क्या रहे हो, x को a की तरफ भेज रहे हो। तो मैंने पहले बता दिया रियल जब आप पढ़ते थे पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक रियल लाइन पे चला करती थी। अब वहाँ पे यदि कोई भी पॉइंट है a, ठीक है, और आप x पॉइंट से a पॉइंट पे आ रहे हो, तो वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आने के केवल दो ही रास्ते हुआ करते थे, कि एक एक तो आप आ जाओ इस तरफ से दाई तरफ से, ठीक है, और एक आ सकते हो आप इस तरफ से बाई तरफ से। तो जब दाई तरफ से आया करते थे तो उसको बोलते थे दाई सीमा या राइट हैंड लिमिट, और जब बाई तरफ से आया करते थे तो उसको बोलते थे बाई सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एक तो है दाया और एक है बाया, तो दो ही सीमा निकाला करते थे हम, कि दाई सीमा और बाई सीमा। ठीक है, जो दाई सीमा हुआ करती थी राइट हैंड लिमिट हुआ करती थी भाई, कि दाई सीमा। तो जो राइट हैंड लिमिट थी, लिमिट किससे डिनोट किया करते थे, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इस तरीके से एफ एक्स, तो ये थी दाई सीमा। निकालते कैसे थे इसको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस एच, ये निकालने का तरीका हुआ करता था या सूत्र हुआ करता था। जो बाई सीमा हुआ करती थी, ठीक है, उसको किससे डिनोट किया करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, और इसको कैसे निकालते थे, चाहे ट्वेल्थ की बात करें चाहे सेकंड ईयर की, एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, इस तरीके से। तो वहाँ पे हमने केवल दो ही सीमाओं की बात करी, क्यों करी, क्योंकि सीधा सीधा कारण है कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन एक रियल लाइन पे चल रही है, एक लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे पहुँचना चाहते हो दो ही रस्ते हैं, या तो दाईं तरफ से आ जाओ तो उसको दाईं सीमा, या बाईं तरफ से चले जाओ तो उसको बाईं सीमा। और जब दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों की दोनों बराबर आए और साथ में परिमित भी आए, कि दाईं सीमा बाईं सीमा परिमित रूप से विद्यमान है तथा समान है, तब हम बोलते थे कि सीमा का अस्तित्व है। कि मान लो दाईं सीमा का मान आया पाँच, तो बाईं का भी पाँच ही आना चाहिए, तब बोला जाएगा कि फलन एफ एक्स की बिंदु ए पर सीमा विद्यमान है, और जो पाँच है उस पाँच को बोला क्या जाएगा, फलन एफ की बिंदु ए पर सीमा। कि दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों की दोनों क्या आनी चाहिए, पहली बात तो समान आनी चाहिए, ठीक है, और साथ में परिमित भी, ऐसे नहीं कि एक का मान अनंत आ गया हो तो सीमा विद्यमान नहीं है, दोनों आ गई बराबर नहीं आई सीमा विद्यमान नहीं है।
ठीक है, तो दोनों की दोनों बराबर भी आनी चाहिए थी और साथ में समान भी आनी चाहिए थी, तब हम बोलते थे कि सीमा विद्यमान है या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो भी नंबर आया करता था उसको उसकी सीमा बोल दिया करते थे उस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया, सेम कंसेप्ट यहाँ पे कि यहाँ किसी भी फंक्शन को डिनोट करेंगे डब्ल्यू बराबर एफ जेड से, तो किसी बिंदु जेड इक्वल टू जेड नोट पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एल, तो अब वहाँ रियल नंबर था या कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, किसी फलन एफ जेड की सीमा कहलाएगा कब, जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एल, कि कोई नंबर एल किसी फंक्शन डब्ल्यू बराबर एफ जेड की बिंदु जेड इक्वल टू जेड नॉट पर सीमा कहलाएगा कब, जब लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एल आए। ठीक है, ये एल क्या है, फाइनाइट। ठीक है, या आप यूं भी बोल सकते हो कि जेड जेड नोट की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, ठीक है, किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, ये एल यूनिक होना चाहिए हमेशा, कि आप किसी भी मार्ग से इसकी वैल्यू निकालें, किसी भी पथ से हमेशा आपको एल ही मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ बोला था ना हमने कि दो पथ थे और दोनों से मान समान आना चाहिए, कि लिमिट सेम आनी चाहिए, या उस सेम को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक अद्वितीय होनी चाहिए, कि एक ही मान आना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या है, केवल और केवल एक मान आना चाहिए, दो मान नहीं आने चाहिए कि बाई का अलग आ जाए दाई का अलग आ जाए। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ किसी भी मार्ग से, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, देखो कि अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेशन चलती है एक प्लेन में, क्यों, क्योंकि यहाँ चार होता है जेड, और जेड खुद ही एक्स प्लस आई वाई टाइप का होता है, तो एक्स मतलब वास्तविक भाग, वाई मतलब काल्पनिक भाग, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो उसको एक्स कोमा वाई टाइप से लिखते हैं, और जैसे आपने एक्स कोमा वाई टाइप से लिखा तो आप आगे एक समतल में, और अब एक समतल में किसी पॉइंट पे आना है आपको, कि मान लो इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, तो अब इस पॉइंट पे पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, अनंत रास्ते। आप इधर से आ जाओ, ठीक है, आप इधर से आ जाओ, आप इधर से आ जाओ, यूं आ जाओ, आप किसी वक्र के अनुदिश आ जाओ, ठीक है, तो एक समतल में किसी बिंदु पर पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब जैसे वहाँ पर दो ही सीमाएँ निकलती थी, बाईं और दाईं, तो यहाँ पर सीमाएँ निकलेगी अनंत। क्या बोल रहा हूँ कि वहाँ दो ही सीमाएँ निकला करती थी, बाईं और दाईं, और हम देख लिया करते कि दोनों सेम आ रही है क्या, दोनों सेम आ जाया करती थी और फाइनाइट हुआ करती थी, परिमित तो हम बोल देते थे सीमा का अस्तित्व है। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी बिंदु पे पहुँचने के अनंत रास्ते हैं, तो अनंत रास्तों से मान निकालो, तो जेड जेड नोट की ओर किसी भी पथ से आ सकता है, सारे पथ से जब हम वैल्यू निकाल लें और फिर भी सेम आए हर बार, ठीक है, और यूनिक आए, कि एक ही मान आए हर बार, की जैसे एल आ रहा है तो किसी भी रास्ते से निकालो हर बार एल ही आए, तब हम बोलेंगे कि फलन एफ जेड की बिंदु जेड नोट पर सीमा अस्तित्व में है और किसके बराबर है, एल के। यदि रास्ता बदलने से मान बदल जाए, कि मैंने जैसे रूट चेंज किया लेकिन वैल्यू चेंज हो गई, तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, किसी भी एक रास्ते से मान अनंत आ गया, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो रास्ता बदल जाए लेकिन मान नहीं बदलना चाहिए, मान हमेशा फिक्स होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कि कोई ना कोई परिमित मान मिले और हर बार सेम मिले, केवल और केवल एक ही मान मिले, चाहे रास्ता कोई सा भी बदल लो, ठीक है। तो जब सभी रास्तों से मान समान आएगा, सभी मार्गों से मान समान आएगा, जब पथ से स्वतंत्र होगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा, तब हम बोलेंगे कि सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा कि अनंत रास्ते हैं, अनंत रास्तों से मान निकालना संभव नहीं है, कि आप सारी की सारी लिमिट्स निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो आसान आसान लिमिट्स होती है, जो आसान से रास्ते होते हैं, उनसे निकाल के देखते हैं हम, यदि मान बदल गया तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिमिट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा वो कल नहीं था, तो मेजर चैप्टर वहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें लिमिट की बात करेंगे हम डिटेल में। तो बाकी फ़र्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, कि यहाँ पे दो ही टाइप की लिमिट निकलती थी, यहाँ पे अनंत टाइप की, ठीक, क्योंकि अनंत रास्ते हैं, वहाँ पे दो ही रास्ते हुआ करते थे, ठीक है। बाकी सीमा का अस्तित्व होगा कब, कि किसी भी मार्ग से जेड जेड नोट की अगर किसी भी तरफ से जेड जेड नोट की तरफ आ सकता है, किसी भी मार्ग से आ सकता है, लेकिन आपकी लिमिट बदलनी नहीं चाहिए, हर बार यूनिक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि केवल और केवल एक ही मान आना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना चाहें तो देखो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान दें कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, देखें, किसी प्रांत डी में परिभाषित फलन
W बराबर एफ जेड की, ठीक है, किसी प्रांत डी में परिभाषित फलन W बराबर एफ जेड की कोई सम्मिश्र संख्या L कोई परिमित सम्मिश्र संख्या L सीमा कहलाती है यदि Z Z नॉट की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो, लिमिट Z टेंड्स टू Z नॉट एफ जेड बराबर L कि Z Z नॉट की तरफ किसी भी मार्ग से अग्रसर हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा मान L ही मिलना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि L बिंदु Z नॉट पर फलन एफ जेड की क्या है, सीमा है, ठीक है। अब Z नॉट की तरफ बढ़ने के रास्ते क्या हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। तो जो लिमिट है पहली बात तो फाइनाइट होनी चाहिए और साथ में यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। और जनरली लिमिट निकालने का तरीका क्या रहेगा, लिमिट निकालने का तरीका आप डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दो, यदि आपको कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही गई। हाँ, लेकिन मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल रही, इनफाइनाइट मिल जाता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट जैसी अनडिटरमाइंड फॉर्म्स मिल जाती है तो फिर हम रूट लेके देखेंगे, अलग अलग पथ कंसिडर करेंगे, अलग अलग मार्ग देखेंगे कि कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है मान, ठीक है, उसके हिसाब से फिर लिमिट आएगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ इसलिए मैंने बोल दिया एग्जाम्पल वन, सिद्ध कीजिए कि, क्या बोल रहा हूँ, सिद्ध कीजिए कि निम्न सीमा, या यूँ लिख लो कि सीमा लिमिट Z टेंड्स टू जीरो Z बार अपॉन Z का अस्तित्व नहीं है। तो ये प्रूव करके बताना है आपको कि इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है या ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे, अब लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार अपॉन जेड है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका अस्तित्व नहीं है, कि प्रूव दैट दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि आपने रास्ता चेंज किया होगा और इसकी वैल्यू चेंज हो गई होगी, यदि हर एक रास्ते से वैल्यू सेम आ रही होती तो एग्जिस्ट कर ही जाती, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं, देखें तो देखो इसका सॉल्यूशन, तो माना ये जो लिमिट है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम स्मॉल एल, कि जैसे मैंने स्मॉल एल ले ली और अब स्मॉल एल का एक ही मान आना चाहिए चाहे रूट कोई सा भी हो, तब स्मॉल एल को लिमिट बोलेंगे, ठीक है, डेफिनेशन में लिखवाया आपको। तो Z बार अपॉन Z, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने L। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप डायरेक्ट पॉइंट पुट करके देख लो, यदि फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो ठीक है, तो जीरो पुट करके देखो आप Z बार, हाँ भाई Z टेंड्स टू जीरो है तो Z की जगह आप जैसे ही जीरो पुट करोगे तो जीरो का बार भी जीरो ही होगा, जीरो तो एक रियल नंबर है ना, तो उसका बार जीरो ही होगा, आयोटा थोड़ी है इसमें कुछ, तो जीरो बाई जीरो अनडिटरमाइंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या रास्ता बदलने से, ठीक है, मान चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो देखते हैं चेक करके, तो यह है जीरो, ठीक है, मूल बिंदु, तो इस मूल बिंदु पे आना है आपको, यही तो बोला है कि Z टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो मूल बिंदु पे आना है। तो अब इस मूल बिंदु पे आने के कई सारे रास्ते हैं, देखो ये वाला रास्ता,
एक ये वाला रास्ता और एक ये रास्ता, और इसके अलावा भी कोई वक्र हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो रास्ता है x अक्ष के अनुदिश, तो एक रास्ता तो क्या हो गया x अक्ष के अनुदिश, दूसरा रास्ता क्या हो गया, ये जनरली हम इनकी बात करते हैं x और y के अनुदिश कि सामान्यतः हम ये इन दो रास्तों की बात करते हैं, और एक रास्ता और हो गया कौन सा, ये क्या है y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश। अरे कोई सरल रेखा ही तो है y इक्वल टू एम एक्स टाइप की, y इक्वल टू एम एक्स वाली रेखा 0 0 से गुजरती है ना, x की जगह 0 रखो y की जगह 0 रखो सेटिस्फाई हो जाएगा 0 बराबर 0। तो y इक्वल टू एम एक्स की ये कोई भी लाइन हो सकती है जो मूल बिंदु से गुजर रही हो, इसके अलावा भी अनेक रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इन 3-4 रास्तों से निकाल के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी नहीं मिल रहा तो फिर आगे की बात करते हैं। तो देखो z बराबर क्या होता है, z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, तो रखो यहाँ पे z की जगह, तो लिमिट z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, यहाँ भी z की जगह x प्लस आयोटा y का बार अपॉन x प्लस आयोटा y इस तरीके से, तो ये लिमिट, ठीक है। अब देखो x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, तो 0 को लिख देंगे 0 प्लस आयोटा 0, ऐसे लिखेंगे भाई 0 को, तो इसका मतलब क्या है x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0, कि x भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, रियल पार्ट का कंपेयर रियल पार्ट से करते हैं ना, और इमेजिनरी का इमेजिनरी से, और y भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। x प्लस आयोटा वाई का बार, बार का मतलब होता है संयुग्मी, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो ये एक्सप्रेशन आया कुल मिला के, ठीक है। तो अब ध्यान दें इसमें कि आपको आना है 0 पे, ठीक है। तो अब 0 पे आने के कितने रास्ते हैं, अभी अभी मैंने बता दिए अनंत रास्ते हैं, तो सबसे पहले वाले रास्ते की बात करते हैं इसकी, कि मान लिया x अक्ष के अनुदिश, तो क्या बोल रहा हूं, केस फर्स्ट कि माना z टेंड्स टू 0, जेड 0 की ओर अग्रसर है एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है, कि लिमिट लेट जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स अक्ष के अनुदिश क्या हो रहा है, जेड 0 की तरफ बढ़ रहा है। अब एक बात बताओ भाई, जब एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ेगा तो एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या हो जाता है, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई क्या है यहाँ पे 0, क्लियर, तो इसका मतलब y की जगह 0 रख दो, तो y का काम तो खत्म हो गया, क्योंकि y की जगह तो 0 पुट कर दिया ना, तो ये y टेंड्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो y का काम तो हो गया खत्म, ठीक है। तो x बटा x, x से x कट गया तो मान क्या आ गया, 1, ठीक है। कि जब हमने x अक्ष की बात करी, x अक्ष पे y का मान क्या हो जाया करता है, 0, तो y का मान तो हो गया 0, तो y की जगह तो रख दिया 0, तो x से x कट के मान आ गया 1। अब बात कर लेते हैं केस 2, तो देखो एक बार तो जो स्मॉल एल था ना उसका मान मिला है 1, अब केस सेकंड कि माना जेड टेंड्स टू 0 लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश, कि जेड 0 की तरफ बढ़ रहा है लेकिन वाई अक्ष के अनुदिश, और ये पहली बार नहीं बताई जा रही आपको, सेकंड ईयर में भी ऐसी थी कैलकुलेशन, जब हमने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़े थे, दो दो वेरिएबल के फंक्शन पढ़े थे, तब भी हमने बात करी थी इन सारे रस्तों की, ध्यान हो तो आपको, दो फलनों की जब सीमा निकाली थी, ठीक है। y अक्ष के अनुदिश, अब बताओ y अक्ष के अनुदिश जब गतिशील होगा भाई, तो y अक्ष पे x का मान क्या हो जाया करता है, 0, तो y अक्ष पे x 0, तो अब की बार इसमें x 0 रख देंगे, तो x तो 0 हो गया, तो ये x टेंड्स टू 0 लिखने की तो जरूरत है नहीं, y टेंड्स टू 0 केवल x की जगह रख दो 0, तो 0 माइनस आयोटा वाई अपॉन 0 प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई से आयोटा वाई कट गया तो माइनस 1, तो अब देखो अब की बार आया है मान माइनस 1, तो एक बार मिला प्लस 1, एक बार मिला माइनस 1, तो रास्ता बदला, ठीक है भाई, रास्ता बदला और मान भी बदल गया, तो रास्ता बदलने से यदि मान बदल जाए तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है नहीं है, ध्यान रहे, और रास्ते चाहे कितने ही बदल लो लेकिन मान फिर भी नहीं बदले तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है, ठीक है। तो अभी तो दो रास्ते ही देखे हमने और उसी में ही मान बदल गया,
यदि मान लो मान नहीं बदलता तो फिर और दूसरा रास्ता देखते y इक्वल टू एम एक्स, इससे भी नहीं बदलता तो और रास्ता ले लेते, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यदि रास्ते बदलने से मान बदल जाए तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, और रास्ता बदलने से मान नहीं बदले तो इसका मतलब सीमा का अस्तित्व है, ठीक है, ध्यान रहे। तो यहाँ पे सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो जनरली जो लिमिट वाले सवाल होंगे ना उसमें लिमिट निकालनी होगी, ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले तो ये दो रास्ते ही कंसिडर करेंगे हम x और y के अलोंग, और उसके बाद में फिर और कोई, ठीक है, बाकी जो लिमिट होगी डिटेल में हम अवकलनीयता में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लें, फिर इससे आगे करते हैं। तो अब ध्यान दें, अगला जो टॉपिक है सांतत्य, तो अगला टॉपिक है सांतत्य, ठीक है। तो इसमें लिखें फलन w बराबर एफ जेड, ठीक है, अपने प्रांत, देखो जो रियल में थी ना डेफिनेशन उसी टाइप की है, फलन w बराबर एफ जेड अपने प्रांत डी के किसी बिंदु, w बराबर एफ जेड अपने प्रांत डी के किसी बिंदु z इक्वल टू a पर, या z नॉट ही लिख लो, z इक्वल टू z नॉट पर सतत कहलाता है यदि यदि लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड बराबर एफ ऑफ z नॉट, ठीक है, चाहे z z नॉट की ओर किसी भी मार्ग से अग्रसर हो। ये लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया लिमिट निकालते टाइम हम सारे रास्तों की बात कर लेते हैं कि रास्ता चाहे कोई भी हो, लिमिट लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी तो उसमें हम पहले बात कर चुके होते हैं क्या कि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब रूट बदल लो लेकिन इसकी वैल्यू फाइनाइट और यूनिक हो, ठीक है, ध्यान रहे भाई। तो रियल में भी तो यही थी डेफिनेशन, ध्यान दो, वहां पे भी हम यही बोला करते थे, क्या थी, देखो रियल में भी यही था कि कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स जो कि किसी प्रांत d में परिभाषित है, ठीक है, अपने किसी बिंदु x इक्वल टू a पर, अपने प्रांत के किसी बिंदु x इक्वल टू a पर, ठीक है, सतत कहलाएगा, कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर क्या आ जाए एफ ओ पे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने में और सतत होने में थोड़ा बहुत ही फर्क है, कि लिमिट एग्जिस्ट करने में तो क्या बोलते थे यहाँ पे, बाई और दाई सीमा परिमित रूप से विद्यमान हो, बराबर हो, कि बाई सीमा निकल जाए दाई सीमा निकल जाए और बराबर भी आ जाए, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन साथ ही साथ f a के बराबर आ जाती है यदि वो, ठीक है, कि a पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, उसके बराबर आ जाती है, तो फिर हम उसको बोल दिया करते थे सतत, कि बाई सीमा भी निकल गई दाई सीमा भी निकल गई और f a के बराबर भी आ गई, तब तो क्या बोल देंगे सतत, बाई निकल गई दाई निकल गई और आपस में बराबर आ गई, तब क्या बोलेंगे सीमा का अस्तित्व है उस ए पॉइंट पर, और एफ ए के बराबर भी आ गई तब क्या बोलेंगे सतत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि जेड टेंड्स टू जेड नोट यदि किसी भी रूट से जेड जेड नोट की तरफ बढ़ रहा है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई यदि, ठीक है, तो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और एफ जेड नोट के बराबर भी आ जाती है तो इसका मतलब सतत है, ठीक है। तो दोनों बातों में फ़र्क है कि लिमिट एग्जिस्ट करवाने में तो हम क्या देखते हैं कि केवल ये लिमिट एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, चाहे इसका मान कुछ भी आए, बस आप रूट बदल लो, पथ बदलते जाओ, मार्ग बदलते जाओ, लेकिन इसका मान नहीं बदलना चाहिए, इसका मान L आ रहा है तो हमेशा L ही आए, तो इसका मतलब, और वो जो L है वो फाइनाइट भी होना चाहिए, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लेकिन अब जो L मिल रहा है आपको, वो L यदि एफ जेड नोट के बराबर आ जाता है, कि एग्जैक्ट जो वैल्यू है जेड नोट पे फंक्शन की, एफ जेड नोट का मतलब क्या है, जेड नोट पे फलन का मान, कि यदि वो जो एल है वो एफ जेड नोट के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब फलन क्या है सतत है, ठीक है।
इस तरीके से। तो लिमिट एग्जिस्ट करने में और सतत होने में बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। लिमिट एग्जिस्ट करने में तो रूट बदलते जाओ, लेकिन लिमिट बदले नहीं, हर बार एल के बराबर आए यदि एल आ रहा है तो, और वो एल यदि एफ जेड नोट के बराबर भी आ जाता है तो इसका मतलब सतत भी है। तो एक उदाहरण है, देखो बुक का ही है, तो एग्जाम्पल नंबर है 3.4.2, ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं 3.4.2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा जीरो जेड इक्वल टू आयोटा, ठीक है, जेड इक्वल टू आयोटा पर सतत नहीं है, ये सिद्ध करना है कि सतत नहीं है। तो अब देखो सतत नहीं होने में कई सारे केस हो सकते हैं भाई, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, रास्ता बदलने से मान बदल जा रहा हो, या हो सकता है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन वो एफ जेड नोट के बराबर नहीं आ रही हो, या फिर हो सकता है लिमिट का ही मान इनफाइनाइट आ गया हो, ठीक है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं सतत नहीं होने के। तो पहले तो मैं निकालता हूँ लिमिट, तो कैसे निकालेंगे लिमिट, तो किस पॉइंट पे चाहिए लिमिट पहले ये तो देखो, आयोटा पर चाहिए, तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड, तो ये तो किसका सूत्र है भाई, ये तो हो गया लिमिट का, ये देख लो यहाँ से जेड नॉट पे लिमिट चाहिए तो कैसे लिखते हैं, जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड, तो मेरे को आयोटा पर चाहिए तो जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड, ठीक है, तो ये तो हो गया आयोटा पे लिमिट का सूत्र जिससे हम लिमिट निकालते हैं। तो रखो एफ जेड का मान, तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड, तो एफ जेड कहाँ है भाई, ये रहा एफ जेड, तो एफ जेड कितना है जेड स्क्वायर, ठीक है, आप देखो जेड टेंड्स टू आयोटा है तो जेड टेंड्स टू आयोटा का मतलब होता है जेड आयोटा की तरफ बढ़ रहा है, एग्जैक्ट आयोटा नहीं है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि आयोटा कोई बिंदु हो सकता है और जेड और कहीं पे कोई बिंदु है तो जेड आयोटा की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है जेड इक्वल टू आयोटा, दोनों में फर्क है, तो जेड आयोटा की तरफ अग्रसर है कि जेड कोई बिंदु है आयोटा कोई बिंदु है तो जेड आयोटा की तरफ आ रहा है, तो ये वाला केस है जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा, अभी जेड और आयोटा अलग अलग हैं, ठीक है, तो जेड आयोटा की तरफ बढ़ रहा है, तो एफ जेड का मान क्या है उस टाइम जेड स्क्वायर, तो रख दिया जेड स्क्वायर, जेड टेंड्स टू आयोटा तो उठा के रखो इसमें आयोटा, तो ये रख दिया आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, ठीक है, पता है सबको कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और एक मैंने क्या बोला एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालो जिस पॉइंट पे आपको सतत दिखाना है, तो किस पॉइंट पे सतत दिखाना है आयोटा पे, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालो फंक्शन की आयोटा पर, कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फलन की आयोटा पर, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है भाई फलन की आयोटा पर, तो देखो जेड इक्वल टू आयोटा, ये रहा इक्वल टू वाला केस, जेड इक्वल टू आयोटा पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है जीरो, तो एग्जैक्ट वैल्यू है जीरो, तो आप देखो ये हो गया समीकरण दो, ये हो गया समीकरण एक, तो समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है, तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड, तो ये तो हो गई लिमिट आयोटा पे, ये तो क्या है लिमिट हो गई फंक्शन की आयोटा पर, और एफ आयोटा ये एग्जैक्ट वैल्यू हो गई फंक्शन की आयोटा पर, तो लिमिट और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर आ जाए तो सतत, इस केस में बराबर नहीं आ रही क्योंकि देखो ये तो माइनस वन है ये जीरो है, और बराबर नहीं आए तो सतत नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं आती है तो इसका मतलब सतत नहीं है, ठीक है, तो यहां पे सतत नहीं है, तो क्लियर, तो ज्यादा फर्क नहीं है, वहां पे जैसे करते थे यहां पे ऐसे ही करते थे, बस फर्क किस चीज में आया रस्तों में, कि वहां दो ही रस्ते हुआ करते थे, यहां रस्ते अनेक है, ठीक है। तो ये पढ़िए आपने सीमा और सांतत्य, इससे अगला टॉपिक आएगा अवकलनीयता, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, एक्चुअल में सिलेबस देखा जाए तो वहाँ से ही स्टार्ट होता है, कि वहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं अवकलनीयता से, लेकिन ये आना जरूरी है उससे पहले, क्योंकि होता क्या है पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर उसको कंटिन्यूस करते हैं, उसके बाद में डिफरेंशिएबल करते हैं, उसके बाद में फिर एनालिटिसिटी या विश्लेषिकता की बात करते हैं, ये जो विश्लेषिक फलन है, ठीक है, तो स्टेप बाई स्टेप। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे अवकलनीयता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो ये पता होने चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए कि लिमिट कैसे निकालेंगे, रास्ते ज़्यादा क्यों हो गए, वहाँ पे रियल में दो ही रास्ते क्यों थे, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक
कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। तो इससे आगे फिर कल।